दोस्तों बेताब समाचार YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर एपी जोशी से हमने बातचीत की है। मौजूदा जो दिल्ली की स्थिति है, देश की स्थिति है और कांग्रेस की स्थिति है, इस पर हमने बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं उनसे बातचीत। जोशी जी, कल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती जो आप लोग मना रहे हैं, 150वीं गांधी जयंती, इसमें कांग्रेस पार्टी ने क्या कार्यक्रम रखा है? कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम रखा है, सभी लोग DPCC ऑफिस से इकट्ठा होंगे और वहाँ से पैदल मार्च करेंगे, गांधी समाधि पर आएंगे और गांधी समाधि पर महात्मा गांधी जी को याद किया जाएगा। उनका जो संदेश था, उस संदेश को लेकर हम देश के हर कोने में जाएंगे और उनका जो सोच थी, जैसी सोच, जैसा भारत उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, उसी सोच के को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा महात्मा गांधी जी के सोच पर चली है और आगे भी ऐसा ही करने का काम करेगी। तो इस वक्त जो केंद्र में सरकार चल रही है, क्या ये गांधी जी के विचारों पर चल रही है? गांधी जी के विचार कहीं भी नहीं है, गांधी जी का सिर्फ नाम है लेकिन विचारधारा तो दूसरी है, RSS की विचारधारा है और उसी विचारधारा को लेकर ये जो केंद्र में सरकार चल रही है उसी को लागू कर रही है। तो जो गोडसे की विचारधारा और गांधी जी की विचारधारा, आज ऐसा समय आ गया है कि कुछ लोग गोडसे की भी भारत में पूजा कर रहे हैं, बड़ी शर्म आती है। एक आदमी ने मध्य प्रदेश में ये कहा, गोडसे की बंदूक की, पिस्तौल की नीलामी करा लो तो पता चल जाएगा। यानी क्या आज देशभक्ति भी इस बात से तय होगी? यानी गोडसे के समर्थक लोग आज इतने ताकतवर हो गए कि वो गोडसे की पिस्तौल को नीलाम करने की बात कह रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देश की मुख्य धारा से हटकर दूसरी धारा को ये ले रहे हैं। कभी पानी जो सीधा चलता है वो अगर उल्टा उसको चलाने लगे तो ऐसा उसी समय के लिए हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। पानी जहाँ से चलेगा वही सीधा अपना रास्ता वो बना लेगा, यही जो गोडसे का विचार है। बड़े दुख की बात है, जिस गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या की उसी का मंदिर बनवा रही है BJP सरकार और उसी को महिमा मंडल जो किया जा रहा है, ये बड़े शर्म की बात है देश के लिए। विदेशों में अहिंसा के पुजारी के रूप में गांधी जी को माना जाता है। नेल्सन मंडेला ने ये कहा था कि गांधी जी की लाठी के अंदर जो ताकत है वो किसी गोली बंदूक या किसी तोप के अंदर भी ताकत नहीं है। तो आज हमारे भारत के लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, गांधी जी के विचारों को से प्रेरणा क्यों नहीं ले रहे हैं? गांधी जी के विचार थे अहिंसा की, उन्होंने लड़ाई लड़ी बिना लाठी के, बिना हथियार के उन्होंने लड़ाई लड़ी और आज जो माउंट लिंचिंग हो रही है वो किसी को भी पकड़ कर, किसी को समाज को, एक दो जो समाज है, दलित और अल्पसंख्यक समाज है, उस पर अत्याचार हो रहा है, माउंट लिंचिंग हो रही है, ऐसा महात्मा गांधी ने कभी सोचा भी नहीं था। तो आप, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी इस वक्त बढ़ जाती है, तो कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन क्या सही कर रही है? कांग्रेस पार्टी जरूर निर्वाह करेगी और करती रही है अभी तक। जब भी ये लोग कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल राज किया, 70 साल देश की जनता ने उनको राज कराया, कोई अपने आप राज नहीं करता, अच्छे काम किए कांग्रेस ने, जब भी तो उन्होंने 60 साल राज किया। तो ये कहना गलत है कि कांग्रेस ने ये नहीं किया वो नहीं किया, कांग्रेस की बदौलत आज हम हैं। जब ये देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी से पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था और आज हम सक्षम हैं, आज हम चंद्रमा पर जा रहे हैं, इन 5 साल में थोड़े गए हम, ये तो पहली मेहनत है, पहली वैज्ञानिक लग रहे हैं हमारे, उन पर काम किया जा रहा है। ये जो सोच लेकर चले कांग्रेस, जो सोच लेकर चली थी वो सोच को ये आगे बढ़ाने का काम तो नहीं कर रहे, लेकिन ये उसको पीछे धकेलने का काम कर रहे, अपनी ही सोच ये लागू करने का काम ये कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हमने कसम खाई है कांग्रेस पार्टी ने कि इनकी जो सोच है, इनका जो संविधान को बदलने की सोच है, हम उसको कभी पूरा नहीं होने देंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, उस संविधान को बदलने का किसी न किसी रूप में प्रयास किया जा रहा है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? प्रयास करें, ये खूब करें प्रयास। जो इसमें आपने देखा होगा कि देश में आज 25-30% तो SC ST है और 55% OBC है, दोनों इकट्ठा होकर जब ये लड़ाई लड़ी जाएगी तब ये देखेंगे हम ये कैसे संविधान को बदलते हैं,
संविधान बदलने की कोशिश की थी, SC/ST एक्ट को इन्होंने छूने की कोशिश की थी, उसने बदलाव किया था, लेकिन हमने ये जो पूरे समाज ने मिलकर जो एजिटेशन किया उसमें ये मजबूर हुए और ये मजबूरी में आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बहुत अच्छा फैसला है, हम उसका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे ही फैसले देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद तुगलकाबाद में रविदास जी का मंदिर तोड़ दिया गया था और सरकार ने उसको बचाने की कोई कोशिश नहीं की, और अभी बिल्किस बानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गुजरात सरकार ने माना नहीं, तो ये दोहरी नीति क्यों है और किस लिए है? दोहरी नीति सिर्फ अल्पसंख्यक और दलित के लिए है, बाकी किसी के लिए दोहरी नीति नहीं है। इनके जो देखो आज जो ये कहते हैं कि ये करप्शन में पकड़े गए, ठीक है करप्शन हुआ होगा, लेकिन हमारा कोई भी कांग्रेस का जो वरिष्ठ लीडर है किसी भी दूसरे जो केस में जो आज कहने की भी बात नहीं है, शर्म आती है उसमें, ऐसे एक रेप के केस में ये अंदर जा रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है और उस पर FIR भी नहीं होती, बड़े ताज्जुब की बात है। स्वामी चिमियानंद जिन पर एक छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, वीडियो दी, SIT गठित हुई, उस छात्रा को जेल में डाल दिया गया। स्वामी चिमियानंद पर 376 धारा नहीं लगाई गई बल्कि 376A लगाई गई और वो अस्पताल में उसको किसी न किसी बहाने से रखा गया है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बड़े दुख की बात है, वही हम कह रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक का या गरीब गुरबा का कहीं पर मामला आता है या उसमें इनका जो सीनियर लीडर्स है वो अगर फंसता है, योगी जी, बड़े दुख की बात है कि योगी जी के शासन में कहते हैं बहुत बढ़िया शासन, 2.5 साल में चला, कैसा शासन चला, एक लड़की बयान दे रही है TV पर आकर बोल रही है कि मेरे साथ में ये हुआ, बलात्कार हुआ, और उस पर FIR लॉज नहीं होती, उस पर दोषी को पकड़ा नहीं जाता, बड़े दुख की बात है, और रेप का केस उस पर रजिस्टर नहीं होता, उल्टे उसी पर केस लगाकर उसी को ये अंदर करने का काम कर रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है। देश सब देख रहा है, जब चिंगारी उठेगी जरूर उठेगी, एक गुब्बारा जब फूलता है तो और उसको अगर दबाया जाता है तो जब वो फूटता है तो उसमें से बहुत बड़ी आवाज निकलती है, ऐसा होगा और ये करते रहें, हम भी देख रहे हैं कब तक ये करेंगे, लेकिन इसका जो अंजाम होगा वो बहुत बुरा होगा। कश्मीर में 370 धारा हटाने के बाद पाबंदियां खत्म होने का नाम ले रही हैं और कर्फ्यू अभी तक वहां लगा हुआ है, 57 दिन हो गए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े दुख की बात है, केंद्र सरकार का जो साथ है सुप्रीम कोर्ट भी दे रहा है, जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री रहे, वहाँ का जो MP रहे, विधायक रहे, उनको अंदर किस धारा के अंदर, यही तो पूछने गए सुप्रीम कोर्ट से वो लोग कि किस धारा के अंदर हमें बंद किया गया, लेकिन आज तक बताने का काम नहीं, आज उसकी सुनवाई थी और अब वो 14 नवंबर को सुनाई रख दी। अरे कितना समय आप सरकार को दोगे? सरकार को बहुत समय दे दिया आपने, उन लोगों को बाहर निकालो जो वहाँ के जो रेपुटेटेड आदमी है उनसे पूछो जाकर, लेकिन वहाँ पर इंटरनेट बंद है, वहाँ पर फोन बंद है, वहाँ पर हॉस्पिटल बंद है, वहाँ पर कोई कोर्ट नहीं जा सकता, अपनी बात वहाँ कहने का किसी को अधिकार ही नहीं, वहाँ पर एक आदमी के पीछे दो दो जो गनमैन इन्होंने लगाए हुए हैं, बड़े ऐसे देश में अघोषित जो अपना इमरजेंसी वहाँ पर लगी हुई है। BSNL के 70,000 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है और 3.5 लाख रेलवे के कर्मचारियों को हटाने की अभी तैयारी चल रही है और बेरोजगारी फैल रही है, चारों तरफ युवाओं में हताशा है, आत्महत्या कर रहे हैं युवा। शिक्षा मित्रों का UP के अंदर जो है 75,000 शिक्षा मित्रों को हटाया गया था, वो परेशान है, बहुत सारे लोग आत्महत्या कर चुके हैं, युवा आज का निराशा हताशा में है, तो ये सरकार युवाओं का क्या ध्यान रखेगी या इसी तरह से चलता रहेगा? देश में जो GDP की दर है वो लगातार गिरती जा रही है, देश में जो रुपए की जो कीमत है वो डॉलर की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है, यहाँ पर पैसा नहीं, पैसा कहाँ से आएगा, जब आप इलेक्शन में आप पैसा झोंक देते हो तो वो पैसा कहाँ से आएगा। ये घोषणा की थी कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन 2 करोड़ नौकरी छीनने का इन्होंने काम कर रहे हैं, अब एक ऐसा रूल लेकर आए हैं, या तो 35 साल जिसने सर्विस कर ली या किसी की एज 50 से 55 साल है
और उस पर कोई भी एलिगेशन आप लगाओ और उसको बाहर निकालने का काम हुआ। अभी अभी हमने देखा कि यूपीएससी के थ्रू जो आईएएस लगते हैं उनको निकालने का ये काम कर रहे हैं और उनकी जगह जो आरएसएस के लोग हैं उनको अंडर सेक्रेटरी सेक्रेटरी बनाने का काम कर रहे हैं। ये कौन सी नियम का कायदा है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब गलत हो रहा है। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या कोई आंदोलन करेगी? इसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा आंदोलन कर रही है और करती रहेगी। यहाँ पर ये देखो, जो भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जो सीनियर लीडर्स है और जो एजिटेशन करते हैं उसमें कोई ना कोई आरोप लगाकर सीबीआई के माध्यम से ईडी के माध्यम से उनको अंदर करने का काम हो रहा है, ये गलत हो रहा है। देश में ऐसे कभी इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं हुआ था जैसा आज इस देश में हो रहा है। बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो